हेलो गाइस, मैं हूँ प्रियंका यादव। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी नीट के रिजल्ट से रिलेटेड। आप सभी को पता है नीट का एग्जाम फाइनली कंडक्ट करवाया जा चुका है। अब स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि एक्चुअल में जो नीट का रिजल्ट है वो कब तक आपका आ जाएगा। तो नीट का जो एग्जाम है वो एनटीए ने कंडक्ट करवाया था, और जो एनटीए के डायरेक्टर है विनीत जोशी जी, उनने अनाउंस किया है रिजल्ट के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक अनाउंस हो जाएगा, फिर उसके बाद कितने दिन बाद आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, आपका एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा, और अप्रोक्सीमेट नीट की कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, ये सब बातें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनटीए के डायरेक्टर ने क्या अनाउंस किया है रिजल्ट के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, रिजल्ट के बारे में डायरेक्टर जी ने बोला है कि मैक्सिमम 20 डेज में आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। आप सभी को पता है कि इसके जस्ट पहले JEE का एग्जाम हुआ था, और विद इन 4 डेज जो रिजल्ट था वो अनाउंस कर दिया था। तो अभी मैक्सिमम 20 डेज बोला है, और भी ज्यादा आप मैक्सिमम लगाए तो सितंबर मंथ में, सितंबर मंथ के एंड तक आपका रिजल्ट फाइनली आ चुका होगा। ठीक है, अनाउंस कर दिया जाएगा, ये एनटीए ने बोला है। और जो रिजल्ट है वो आपका एनटीए ही डिक्लेयर करेगी। एक होती है आपकी एमसीसी, जो कि आपकी काउंसलिंग करवाती है। ठीक है, एनटीए का काम ओनली आपका रिजल्ट डिक्लेयर करना है। उसके बाद एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, वो क्या करवाएगी, आपकी काउंसलिंग करवाएगी। एनटीए का काम रिजल्ट के बाद ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद एमसीसी का आपका स्टार्ट होगा। तो काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या रहेगा, जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस होता है उसके 5 या 7 दिन बाद आपकी एमसीसी की वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा, और वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपका जो प्रोसीजर है वो काउंसलिंग का, वो आपका स्टार्ट होगा। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो कौन कौन सी डिटेल मांगी जाएगी, तो कैंडिडेट डिटेल्स फॉर रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन नंबर, अपना एप्लीकेशन नंबर आपको संभाल कर रखना है। ठीक है, क्योंकि वहां पर एप्लीकेशन नंबर आपको डालना पड़ेगा। ऐसे ही आपका रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल और सिक्योरिटी पिन, इन सब चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये थी आपकी एनटीए की रिजल्ट से रिलेटेड, जो डायरेक्टर जी ने अनाउंस किया है कि विद इन 20 डेज आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो सेप्टेम्बर मंथ के एंड तक, 28 to 30 सेप्टेम्बर तक आपका रिजल्ट फाइनली अनाउंस कर दिया जाएगा। वैसे तो इससे पहले ही आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा अगर JEE को देखते हुए डिसीजन लिया जाए तो, क्योंकि JEE का रिजल्ट बहुत जल्दी अनाउंस कर दिया गया था। और जो आपका ये नीट का एग्जाम है उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स ने भाग लिया है। जैसे जितने भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था, 85 to 90% स्टूडेंट्स ने एग्जाम भी दिया है। जैसे ऐसे होता है कि कोई भी एग्जाम फॉर्म वगैरह फिल कर देते हैं तो 60 to 70% लोग ही स्टूडेंट्स ही एग्जाम दे पाते हैं, लेकिन नहीं, नीट का एग्जाम जो हुआ है वो 85 to 90% स्टूडेंट्स ने, जिनने भी फिल किया था उनने, मोस्टली सबने आपका ये एग्जाम दिया है। ठीक है, कट ऑफ से रिलेटेड मैं एक्चुअल में पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, तो वहां से आप कट ऑफ देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।